मई 1999, ये वो महीना था जब भारत की सीमा में दुश्मन घुस आए थे और फिर उन्हें खदेड़ बाहर करने के लिए शुरू किया गया युद्ध, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सफेद सागर। ये ऑपरेशन ऐसे समय में शुरू किया गया जब ऊंचाई पर बैठकर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के जवानों पर सीधा निशाना लगा रहे थे। तब एयरफोर्स ने दखल दिया और कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों पर हवाई हमले किए और उनके ठिकाने तबाह कर दिए। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य और पराक्रम की गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। 24 जून 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर के तहत टाइगर हिल पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों से हमला किया। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया, पर भारतीय वीर जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ बाहर किया। युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसमें थल सेना के साथ वायुसेना भी कदम से कदम मिलाकर चली और दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। टाइगर हिल, जो एक महत्वपूर्ण चोटी थी, समुद्र तल से करीब 5,062 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुश्मनों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था और इसे वापस रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को दी गई, जिसमें उनका साथ दिया भारतीय वायुसेना ने। वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले की निगरानी तत्कालीन वायुसेना प्रमुख अनिल यशवंत टिपनिस ने खुद एक विमान में बैठकर की। इस हमले में मिराज 2000 विमानों का प्रयोग कर दुश्मन के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम गिराए गए। अचानक हुए हवाई हमले में पाकिस्तान के कई घुसपैठिए मारे गए। वायुसेना के हमले ने टाइगर हिल कैप्चर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि एयरफोर्स के इतिहास में यह पहला मौका था जब युद्ध के दौरान लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया था। इन बमों को इजराइल से खरीदा गया था जिसे विमानों में फिट करने के लिए वहां से इंजीनियरों की एक टीम भी भारत आई हुई थी। दरअसल 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी ने भारतीय सेना की मदद करनी शुरू की थी। शुरुआत में MiG-21 विमानों का उपयोग दुश्मन के ठिकानों की तस्वीर लेने के लिए किया गया, तो MI-7 हेलीकॉप्टर्स सैनिकों को लाने और ले जाने, राशन हथियार पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद कर रहे थे। क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर था और उसके सीधे निशाने पर हमारे सैनिक थे, और ज़्यादा ऊंचाई के चलते हेलीकॉप्टर और मिग भी स्ट्रिंगर मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना बन रहे थे। इसे देखते हुए 25 मई को सरकार ने एयरफोर्स को अग्रिम हमले की जिम्मेदारी दी। इसके बाद MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार ने उन ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पर पाकिस्तान सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। MiG-29 से कब्जा जमाए बैठे दुश्मन के ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। 60 दिन तक चले ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 6,500 बार उड़ान भरी। वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 1,235 मिशन उड़ानें भरी और 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया।
आपको बता दें कि कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। ऑपरेशन सफेद सागर 3 फेज में चला था। पहला फेज में सबसे पहले एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पहचान की, हथियार और बंकरों के डिटेल्स और फोटोज जुटाई गई। दूसरे फेज में ऊंची चोटियों पर जमे घुसपैठियों के कैंप, उनके हथियार, भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा हमला किया गया। और फाइनल फेज में इसराइल से मिले नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बमों से सटीक हमला किया गया। और इस तरह भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर टाइगर हिल पर वापस तिरंगा फहराया।